Hello everyone, myself Dr. Monica Maheshwari, Senior Consultant, Gynecologist and Obstetrician and Laparoscopic Surgeon at Amandip Medicity Hospital, Amritsar. Today I will talk about epilepsy and depression during pregnancy. Epilepsy matlab seizures, fits aana, daure padna. It can be generalized or localized, ya to puri, ho sakta hai puri body mein fits aa rahe ho, ya ho sakta hai ki kuch ek part pe aa rahe ho. What is the effect of pregnancy on epilepsy? देखा गया है कि 35% केसेस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है, 15% केसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ फिट्स डिक्रीज हो सकते हैं एंड 50% केसेस में कि मे बी कोई चेंजेस ना हो. अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एपिलेप्सी के फिट्स जो सीजर्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्यों इंक्रीज हो सकती है? मे बी या तो प्रेगनेंट लेडी मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रही है, कम डोज कम ले रही है ये डर से कि शायद इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो बच्चे के ऊपर. मे बी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वॉमिटिंग या फिर एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है. नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एपिलेप्सी ऑन प्रेगनेंसी? इट कैन कॉज एबॉर्शन, इट कैन कॉज IUGR, ऑलिगोहेड्रोमियोज, इवन IUD, बच्चे की सडन डेथ भी हो सकती है अंदर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट इज द कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस. डैट मीन्स कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस मीन्स दैट बच्चे के अंदर जन्मांतर अंत्रुणी कुछ प्रॉब्लम हो जाए. एंड दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद दिस ड्रग्स फॉर द एपिलेप्सी विच लेडीज आर टेकिंग, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कार्डियक डिफेक्ट्स, माइक्रोकेफेली, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इसलिए इसे बहुत ज़रूरी है कि एक तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि ये लेडीज मोस्ट पहले से ही मेडिसिन इनकी चल रही होती है बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी. So they should consult an obstetrician and a neurologist, because maybe we might need to change the medicine, we might need to change the dose of the medicine. And ye bahut zaruri hai ki epilepsy should be well controlled before pregnancy. The lady should not plan, should not conceive if the epilepsy is not controlled. And also monotherapy is preferred, ki means ki ek medicine di jaye instead of 2-3 medicine for epilepsy control, jaise ki side effect kam se kam ho. And also folic acid 5 mg should be taken daily in the periconceptional phase to prevent the side effects. Now during pregnancy, what care to be taken? Most important is thing is the main aim is to control, to prevent the events which provoke the fits. Maybe like vomiting, jiski wajah se ki chances hain ki patient ko fits aa sakte hain. Aise stimuli hame prevent karne chahiye. Then the regular checkup with the obstetrician and with the neurologist. And because actually medicines has to be taken for the epilepsy, there is no other alternative, but we prefer to give the safest medicine which has the least side effects for the mother and the fetus. And then the regular checkup for the baby also, like in the sense ki बच्चे के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं मदर के अंदर, ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि डुअल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, देन कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं, एंटी स्कैन, लेवल 2 स्कैन, जैसे कि हम बच्चे में कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं है उसको रूल आउट कर सके. सो बेसिकली दीज लेडीज शुड प्लान फॉर द प्रेगनेंसी एंड शुड कंसल्ट देयर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड द न्यूरोलॉजिस्ट फॉर द मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज द डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वैसे तो प्रेगनेंसी जो है कपल के लिए बहुत खुशी का मौका होता है, बट देखा गया है कि कुछ फीमेल्स के अंदर दे सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ्स में उन लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की, विच आर हैविंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि जिन्होंने दे डोंट वांट अ प्रेगनेंसी नाउ एंड दे हैव कंसीव्ड. और थर्ड ट्राइमेस्टर में, लास्ट 3 मंथ्स में, उन फीमेल्स में डिप्रेशन देखा गया है जिनको एक डर होता है डिलीवरी का सोच के कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, बहुत पेन होएगा, इसमें एक प्रेशर होता है फैमिली का कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, और एक डर ये होता है कि बच्चा कैसा होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, स्वस्थ होगा ना. तो अगर आपको ऐसा कोई भी वरीज हैं, ऐसे कोई भी इश्यूज हैं, यू शुड ओपन अप एंड डिस्कस विद योर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड क्लियर योर डाउट्स. नाउ वन मोर थिंग इज वेरी कॉमन वी आर सीइंग दीज डेज, दैट इज अ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन आफ्टर द डिलीवरी. और ये कॉमन ज़्यादा उन लेडीज़ में है जो मोस्टली वर्किंग हैं, जिनकी न्यूक्लियर फैमिली है, फैमिली सपोर्ट कम है, उनमें ज़्यादा देखा गया है. और हाउ दे प्रेजेंट, बेसिकली क्या होता है कि दे सफ़र फ्रॉम इंसॉम्निया, नींद नहीं आती प्रॉपर, इरिटेबल नेचर हो जाता है, बार बार पे रोना आता है, गुस्सा आता है, एंड इवन दे डोंट हैव मोर लव फॉर द बेबी.
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी देर इज अ सडन चेंज इन द लाइफ ऑफ अ मदर. बिफोर प्रेगनेंसी देर ओपन, देर मूविंग अराउंड, देर वर्किंग, एंड आफ्टर डिलीवरी क्या होता है? इमीजिएटली देर कन्फाइंड टू अ रूम एंड हैंडलिंग द बेबी जो बेसिकली. और आप क्या करा रहे हो उसको? मदर जो न्यूली डिलीवर मदर होती है तो बेबी को फीड करा रही है या उसकी सुसु पॉटी क्लीन करके नैपीज चेंज कर रही है? और इवन अभी तक तो न्यू बॉर्न बच्चे की कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होते ना, तो एक तरह से एक लूनी सा एनवायरमेंट बन जाता है उस मदर के लिए एंड दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन. तो इसमें बेसिकली द मोर इम्पॉर्टेंट रोल इज नाउ प्लेड बाय द हस्बैंड एंड द इन-लॉ. बहुत ज़रूरी है कि उसके हस्बैंड उसके इन-लॉज दे अंडरस्टैंड दैट फीमेल एंड दे गिव सपोर्ट टू हर. ट्राई टू डेविएट हर माइंड. नींद, उसकी नींद पूरी हो इसके लिए ट्राई कीजिए कि रात को थोड़ी देर के लिए बच्चे को दूसरे रूम में ले जाए, जिससे कि मदर 3-4 घंटे कम से कम अनइंटरप्टेड अनडिस्टर्ब वो नींद ले पूरी कर सके अपनी. एंड डू कंसल्ट योर ऑब्स्टेट्रिशियन इफ यू हैव सफर फ्रॉम एनी सच प्रॉब्लम, बिकॉज यू माइट नीड टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट. एंड अ फ्यू मेडिसिन एंड लो डोज मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द साइकेट्रिस्ट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू.